खुशियाँ देती हैं दुख ले लेती हैं, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती हैं सुख बरसाती हैं, माँ के जैसा तो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। रा रा रू रा 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 रू। दोस्तों आ जाएं हम लोग अपने टॉपिक पे। देखते हैं, अब कभी कभी गुनगुना लिया जाता है। हाँ, अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तो हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग की हमारी क्लास है पार्ट फोर, जिसमें देखते हैं कि हम लोग कहाँ पार्ट फोर में हम लोग कहाँ पे चले हैं। इस टाइप पे देखते हैं, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे दिया गया, यदि किसी कोड भाषा में मास्टर का कोड ये लिखा जाता है और फिर कह रहा हो तो उसी कोड भाषा में हम्बल का कोड क्या हो जाएगा। हम्बल, HUMBLE। तो बस हम वही अपना पुराना रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे मास्टर, MASTER, ये हो गया मास्टर। और फिर से इसके लिए ये कोड है, तो इसके नीचे हम ये लिख लेंगे D16, फिर लिख लेंगे W, फिर लिख लेंगे, थोड़ा सा दूर दूर कर देते हैं। यहाँ पे आपको हो गया है T, यहाँ पे आपका है 16, यहाँ पे है आपका 22, और यहाँ पे है आपका U, और यहाँ पे है, इस वजह से ये चीज़ थोड़ा सा हम देखेंगे, D16, W22, U और 8। अब इस चीज़ को हम देखते हैं कि ये चीज़ मतलब इसका कोड ये कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम वही जो चीज़ आपको बताया गया है कि कौन से जो लेटर है उसका नंबर कौन सा है, वो किस नंबर पे आता है, तो वो पहले हम देखेंगे। तो हमारा जो M है वो 13 पे आता है, A1 पे आता है, S19 पे आता है, T20 पे आता है, और ये 5 पे आता है, और ये 18 पे आता है। उम्मीद है कि आप लोगों को इतने दिनों में तो ये चीज़ें याद हो ही गई होंगी कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। डी का मतलब आप समझते हैं, ये 4 होता है। अगर 16 दिया है तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए कि ये पी है आपका, ठीक है। डब्ल्यू आप जानते हो, ये आपका 23 होता है। 22 आप जानते हो, ये आपका V होता है। और यहाँ पे U दिया हुआ है जो कि 21 होता है। और 8 का मतलब आप H जानते हैं। तो अब आप हमको ये बताइए कि इसमें से अगर हम देखा जाए कहीं ना कहीं, तो हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा 1 है, ये 4 है, अगर इसको हम क्रॉस करें, इसे अगर ये चीज़ हम इसमें देखेंगे तो कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 4 हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, +3 हुआ। फिर दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि यहाँ 13 था और यहाँ 16 हुआ, तो ये भी क्या हुआ, +3 हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें, क्योंकि सीधा तो आपका कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सीधा कहीं से कुछ बन भी नहीं रहा है, तो हम ये चीज़ देखते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ भी देखना होगा, क्योंकि ये रीजनिंग है, तो ये कहाँ से क्वेश्चन बनता है या फिर कैसे इसका सॉल्यूशन होगा, ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। तो बस वही चीज़ हमने देखा कि ए का 4 हो जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें 3 ऐड हुआ होगा। उसी तरह आपका 16 हो जा रहा है 13 में, तो वो भी 3, तो हमारा ये रूल कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है। आगे चल के देख लेते हैं, यहाँ 19 है, 19 में आप 3 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, और यहाँ 20 है, 3 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका हमारा रूल फॉलो हो रहा है। उसी तरह हम इसमें भी आ जाएंगे, 18 है, +3 किया, ये हो गया, 5 है, +3 किया, 8 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा रूल है, यही रूल हमारा इसमें फॉलो कर रहा है, यानी ये इसको क्रॉस ऐड कर रहा है 3, इसमें क्रॉस करके ऐड कर रहा है 3, तो इस तरह ये कर रहा है। तो सेम उसी टाइप हम ये देखेंगे कि जो हमारा हम्बल है, हम्बल के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा। तो बस अब उसके लिए हम देखते हैं,
एच यू एम बी एल ई। हम इसका नंबर, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपका H है तो मतलब 8 हो जाएगा, U का मतलब होता है 21, M का मतलब 13 और B का मतलब 2 और L का मतलब 12 हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी नंबरिंग कर लिए हैं। और हाँ, जो हमारा आंसर आया है वो चीज़ हमें ये भी देखना होगा कि वो नंबर और लेटर दोनों में मिलाकर के आया है, ये चीज़ ध्यान देना होगा। पहले लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, ये चीज़ को ध्यान देना है। तो उसी तरह हम इसमें, आप बताइए कि सेम प्रोसेस करेंगे, हमें तो अब नीचे का कुछ पता ही नहीं है, तो ऑप्शन भी हमारे पास अभी नहीं है, तो हम ऐसे ही देखते हैं। अब इसमें हम ऐसा क्या करें, जाहिर सी बात है इसमें प्लस थ्री करेंगे। ठीक है, अगर हम एट में प्लस थ्री करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर एट में प्लस थ्री करेंगे तो ये हमारा इलेवन होगा। ठीक है, उसी तरह 21 है, 21 में अगर आप प्लस 3 करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 21 में आप 23 प्लस करोगे तो 24 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं ये 13 है, ये 13 है आपके पास, और 13 में अगर हम प्लस 3 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 2 है, और 2 में अगर प्लस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस, यहाँ पे प्लस 3 करेंगे, अगर 12 में प्लस 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 में प्लस 3 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हमको ये चीज़ ध्यान देना है, हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है। पहले तो आपका लेटर होगा, फिर नंबर होगा, फिर लेटर, फिर नंबर। तो इसके लिए पहले नंबर क्या होगा, लेटर क्या होगा, 24 का मतलब है कि आपका एक्स होगा, फिर लेटर आपका रहेगा ही रहेगा, 5 का मतलब ई हो जाएगा, और 16 तो आपका फिर से रहेगा क्योंकि ये नंबर ही है, और फिर से 8 का मतलब H हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो H X 11 E 11 E 16 H 15, ये हमारा एक्चुअल में आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो एक बार फिर से हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगर यदि किसी कोड भाषा में मास्टर का जो कोड दिया है वो दिया हुआ है D16W22U8 हो, तो उसी भाषा में हम्बल को क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर ये चीज़ मतलब कहीं भी रीजनिंग में, ज़्यादातर आपको हर जगह ये चीज़ मिलेंगी। अगर आपको नंबर पता है तो, अगर आपको नंबर पता रहेगा तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें आखिर प्रोसेस हो क्या रहा है। हम दोनों का नंबर लिखेंगे, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस क्वेश्चन देखें, इसका ये कोड आया, इसमें केवल आप आंसर टिक करोगे जो भी होगा, उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस आप इसको ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए, यहाँ 13 था, अगर हम इन सबकी अगर नंबरिंग करते हैं तो यहाँ 4 हुआ है, यहाँ 16 हुआ है, यहाँ 23 हुआ है, यहाँ 22 हुआ है, तो इसमें आखिर प्रोसेस हुआ क्या है। तो जो प्रोसेस हुआ है आप देख ही रहे हो, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अगर 13 में हम 3 ऐड कर देंगे तो क्रॉस करने पर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर 1 में हम 3 कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे S 19 होता है, 19 में आप ऐड करोगे 20, 21, 22 तो आपको 22 आ जाएगा, फिर 20 में 3 ऐड करोगे 23 हो जाएगा, वही प्रोसेस। और फिर सेम चीज़ें यहाँ पे वही होंगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जहाँ कोई दिक्कत है आप उसको बताइए, आप कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी आप कमेंट करिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें ये देखते हैं कि अब इसमें क्या हो रहा है, वो उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है GO, इसका लिखा दिया है 32, SHE 49, और फिर आपके पूछ रहा है कि सम का कोड क्या होगा। अब आपको इसमें बताना है तो थोड़ा सा अब हमें समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है। जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जोड़ी गई हैं, कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। अब देखते हैं क्या हुआ है। अब अंक में आने का मतलब ये है कि अगर ये आपका लेटर दिया हुआ है और ये नंबर में आया है, तो कहीं ना कहीं उसके नंबर का ही, उस नंबर का जो लेटर होगा उसी का यूज किया गया है, कहीं ना कहीं उस नंबर का लेटर जो होगा उसका यूज किया गया है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या हुआ होगा। तो हम ये चीज़ देखते हैं इसमें कि यहाँ पे कितना है जी, जी का क्या होता है 7, और यहाँ पे कितना है ओ,
ओ का कितना होता है 15। तो आप हमको ये बता दीजिए कि अगर हम इसमें देखना चाहें या कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझ में आ रहा है? क्या लगता है आपको, ऐड करें कितना आएगा? 22 ही तो आएगा, लेकिन यहाँ कितना है? 32। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं, ये कितना है 19, ये कितना है 8, ये कितना है 5। ऐड कर देते हैं, और ऐड करने पर ये देखते हैं कि इसमें कितना आता है। ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 32। ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ 22 और यहाँ 1, यहाँ 32 हो जाएगा। तो अब आप हमको ये बताइए, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ रूल फॉलो हो रहा है, आपको लग रहा है? तो जाहिर सी बात ये रूल तो नहीं फॉलो हो रहा है। अब कुछ हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखने का मतलब ये है कि दूसरा ये देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं। अब ये रूल नहीं फॉलो हो रहा है तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। अब हम इसमें ये देखते हैं, अच्छा एक बार हम इन नंबरों का अपोजिट नंबर रख के चेक कर लें। तो ये बताइए आपका जी, जी का मतलब 7, ठीक है, और यहाँ आपका ओ, ओ का मतलब 15। अगर इनका आप अपोजिट निकालना चाहोगे तो इनका अपोजिट क्या हो जाएगा? हमने ये बताया था कि अपोजिट जो होता है वो आपका ऐड करे तो 27 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इसका अपोजिट होगा 7 का 20 आएगा। इन दोनों को जब भी हम ऐड करें तो हमारा 27 आ जाए। ये समझ लीजिए कि जब दो अक्षरों के नंबर को, यानी दो लेटरों के जो नंबर हैं, उन नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो अगर हमारा 22 आ जा रहा है, वो 27 आ जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो उसका अपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि 7 का अपोजिट 20 ही होगा, क्योंकि हम तुरंत जैसे ही जोड़ेंगे इन दोनों को 27 आ जाएगा। सेम उसी टाइप से अब इसमें हम क्या ऐड कर दें, 12 जब इसमें ऐड करेंगे तभी तो ये जाके कितना हो जाएगा 27, तभी तो होगा 12 ऐड करने पर। तो अब ये बताइए ये 20 किसका होता है अपोजिट, मतलब 20 का लेटर नंबर क्या होता है, टी हो जाएगा, और यहाँ पर 12 है, अब 12 का मतलब क्या होता है, एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए अगर इन दोनों को 20 और 12 को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 32। जी हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमें ये चीज़ एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो इसमें यूज हो रहा है वो इनके अपोजिट नंबर का यूज किया जा रहा है, और ये चीज़ पहले में रूल में फॉलो हो गया है, और दूसरे में भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर दूसरे में भी इसमें भी ये रूल अगर फॉलो हो जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन जो है वो अपोजिट नंबर पर ही चल रहा है। तो ठीक है, एस एच ई, इसका मतलब होता है 19, इसका मतलब 8, इसका मतलब 5। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका अपोजिट ज्ञात करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 22 ही तो ऐड करेंगे तभी तो हमारा 27 होगा। और 22 ऐड करने का मतलब है कि 22 के प्लेस पे जो होता है वो कौन सा होता है, V। तो इसका क्या हो जाएगा, V, और V का मतलब कितना हो जाएगा 22। तो कहने का मतलब इसका अपोजिट निकालने के लिए हमने 22 ऐड किया, ठीक है, इसका अपोजिट निकालने के लिए हम इसमें कितना ऐड करेंगे, 8 है, 8 में हमेशा क्या ऐड कर दें कि हमारा 22 आ जाए। तो बस नहीं समझ में आता है तो आप 27 से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ 7 में से 8 जाएगा नहीं, एक यहाँ से कैरी ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, जब यहाँ से एक बोरो लेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो इसका अपोजिट आएगा कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है, अब इस 19 का अभी बताइए, जब 19 का अपोजिट 8 है तो 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 19। तो अब ये यहाँ पे इसका अपोजिट 8 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, एस का अपोजिट एच है तो एच का अपोजिट एस ही तो होगा। तो अब ये बताइए अगर हम यहाँ पे इसको ऐड करें 2 2 1 9 8 9 8 17 18 19 कैरी 1 2 1 3 1 4। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये रूल भी हमारा फॉलो कर रहा है।
तो हम एक चीज़ तो समझ गए हैं कि जो हमारा इसमें यूज हो रहा है वो इन सब के अपोजिट नंबर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब के अपोजिट नंबर का यूज कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इन सब के अपोजिट नंबर को निकाल करके फाइंड करके हम क्या कर देंगे उसमें प्लस कर देंगे और हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं करना है, बस आपको अपोजिट नंबर निकालना है एस ओ एम ई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबका अपोजिट नंबर निकालेंगे। एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अभी 19 था और इसका जब हम अपोजिट निकालेंगे तो वो हमारा 8 हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब बात आती है ओ की, ओ का मतलब 15 होता है, 15 में क्या हो जाएगा इसका अपोजिट 12 हो जाएगा, क्योंकि 15 और 12 को ऐड करेंगे 27 आ जाएगा। एम यहाँ पे क्या है, 13 है, तो 13 में हम कितना ऐड करेंगे, 13 में 14 ऐड कर देंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। और यहाँ पे बात आती है 5, इसकी प्लेस वैल्यू होती है, और इस 5 में हम कितना ऐड करेंगे, इस 5 में हम कितना ऐड करेंगे 27 हो जाए 22, कितना ऐड करेंगे तभी तो हमारा 27 होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आ गई, इन्हीं को हम ऐड कर देंगे और जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 8 × 2 = 10 हो जाएगा, 10 × 4 = 14, 15 × 16 ये आपको 16 हो जाएगा, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, और ये 2, 1, 3, 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो कहने का मतलब जो आपका ये आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 56 होगा, ठीक है। तो इस सम के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, 56, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है, समझ रहे हैं, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई कमेंट है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आपके बैंकिंग में, SSC सभी में आपको मिलेंगे क्वेश्चन, तो आप ये देख लीजिए। इसको कंपेयर करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंपेयर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हमें कंपेयर करके ये पता करना होता है कि इसका मतलब क्या होगा। जैसे कि इसमें कहा है कि यदि किसी कूट भाषा में PITNAETOM इसका मतलब जो है वो इतना होता है, एप्पल इज़ ग्रीन, ठीक है। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को उस तरह लिखने के बजाय मैं आपको ये दिखा देने दिया हूँ कि इसका मतलब ये होता है, फिर इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है। तो आपको ये बताना है कि एप्पल, इसमें जो एप्पल है ये अगर एप्पल होता है तो इसके लिए कौन सा कोड भाषा यूज होगा, यानी कौन सा कोड वर्ड यूज होगा, यानी कौन सा इसमें अगर एप्पल के लिए बताया जाए कि एप्पल के लिए इसमें से कौन सा वर्ड का यूज किया जाएगा कि ये इसका मतलब एप्पल ही होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बहुत उम्मीद है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। चीज़ें नहीं समझ में आती बहुत लोगों को जल्दी, लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको मैं एक बार बताऊँगा और आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, अभी तो हम आपको ऐसे बताएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप केवल क्वेश्चन देखोगे, उसमें उस जहाँ पेपर आपको दिया रहेगा आपको पेन कॉपी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मैं एक दो क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पिट नेम टॉम, एप्पल इज ग्रीन, नी फॉर होम ग्रीन एंड वाइट, हो टॉम का शर्ट इज वाइट। तो आपको ये पहले बताना है कि जैसे अगर हम इन दोनों चीज़ों को देखें तो इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या है, इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ कॉमन है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं तो इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, हमारा कॉमन मिल रहा है NEA, ठीक है। इसमें जो कॉमन है वो NEA है, ये चीज़ इसमें ये कॉमन है और इसमें ये कॉमन है। अब हमें ये चीज़ देखना है, अब ये चीज़ इसमें भी देखना है कि इन दोनों में आखिर कॉमन क्या है। अगर जब इन दोनों में ये कॉमन है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ग्रीन, क्या कॉमन है, यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ग्रीन, यहाँ से आपने ग्रीन, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो N है NAE, इसके लिए जो कोड होगा वो होगा ग्रीन, ठीक है। एक चीज़ हमें क्लियर हो गया। अब हम दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि इन दोनों में, अब ये चीज़ हमने देख लिया है, अब इसमें और इसमें या फिर इसमें इसमें कोई चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो हम ये चीज़ देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है टॉम, यहाँ भी लिखा हुआ है टॉम,
तो दोनों में कॉमन टर्म है, तो बस अब कुछ नहीं करेंगे इस टर्म को। थोड़ा सा एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप इसको ऐसे करिएगा, हाईलाइट करिएगा, या फिर जब इसको ऐसे डिज़ाइन मतलब इसमें जो बनाइएगा, अगर कॉमन जब चेक करिएगा, तो कोशिश से करिएगा कि अलग अलग सिंबल में यूज करिए, अलग अलग शेप में यूज करिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, आप हमको बताएंगे इज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज, कहने का मतलब इज है। तो अब ये चीज़ हमको आप बता दीजिए कि इन दोनों में जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो एप्पल के लिए क्या आपको नहीं मिल जाएगा, कौन सा कोड होगा? तो ये बताइए, जब इसके लिए इज हो गया, इसके लिए ग्रीन हो गया, तो इसमें बचा क्या, इस लाइन में यही तो बचा, यही। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा आंसर होगा, यानी जो अब हम क्या देख सकते हैं, अब यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो ये लिख देंगे कि टॉम के लिए, तो टॉम के लिए क्या हो जाएगा, टॉम के लिए आपका इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो अब बचता क्या है, इस पूरी लाइन में ये दोनों का कोड मिल गया है, इन दोनों का कोड मिल गया, तो बचा क्या है, पिट। तो पिट बच रहा है, तो पिट बचने का मतलब ये है कि कहीं कहीं यही चीज़ बच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब ये चीज़ें, इसमें सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना है, कंसंट्रेशन आपके पास होना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा समझना है बस, और कुछ हमें करना नहीं है। जैसे एक बार फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में पिट ने टॉम को एप्पल इज ग्रीन लिखा जाता है, नी फॉर होम को ग्रीन एंड वाइट लिखा जाता है, हो टॉम का को शर्ट इज वाइट लिखा जाता है, तो आपको ये बताना है कि ये जो एप्पल है इसके लिए कौन सा कोड यूज होगा, या फिर इसके लिए कौन से कोड का यूज किया जाएगा। तो आप दोस्तों, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, तो हम आपको एक चीज़ बताए हैं। तो सबसे पहले कॉमन ढूंढा करिए कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। जैसे इन दोनों में अगर हमने कॉमन ढूंढा, तो हमें क्या मिला, NEA। इन दोनों में ये कॉमन होने का मतलब ये है कि ये चीज़ अगर इसमें है, इसमें है, ये इसमें है, और ये यहाँ पे भी है, तो कहने का मतलब है कि इन दोनों में भी कुछ चीज़ ऐसे आपको कॉमन मिलेंगी। तो इसमें कॉमन क्या मिला, ग्रीन, यहाँ भी क्या मिला, ग्रीन, तो इन दोनों में आपको ग्रीन मिल गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि अब इसके लिए जो कोड होगा वो ग्रीन ही यूज होगा, ठीक है। तो दूसरी बात, अब यहाँ पे टॉम बचता है या पिट बचता है, तो हम दोनों में कुछ मैच कराएं, तो हमें दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन टॉम इन दोनों में मिल रहा है, तो हमने इसके लिए अलग सिंबल इसलिए यूज किया, अगर यही सिंबल यूज करता तो हमें समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमने सिंबल को चेंज कर दिया है, ताकि आपको ये चीज़ साफ साफ यहाँ दिखाई दे कि इसका मतलब क्या हो रहा है। तो अगर इन दोनों में टॉम मिल रहा है, तो अब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे, अगर इसको पहला मान लिया जाए, इसको दूसरा मान लिया जाए, और इसको तीसरा मान लिया जाए, तो अब हम पहले और तीसरे में कंपेयर करेंगे। यहाँ टॉम है, यहाँ भी टॉम है, यानी दोनों में टॉम कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे भी इज है, तो यह समझ लीजिए कि इन दोनों में यही कॉमन होगा, सिंबल हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है, और जो हमारा बचेगा वही एप्पल पूछा है, एप्पल हमें बताना है, तो एप्पल के लिए केवल क्या बच रहा है, एप्पल, इधर यहाँ से एप्पल बच रहा है, उसका कोड नहीं मिला है, एप्पल बच रहा है, और यहाँ पे इसका कोड नहीं मिला है, तो आप समझ लीजिए कि जो एप्पल का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पिट, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। अब इसी पे हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फिर से, कि अब हम क्लियर कर लेते हैं कि चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। और अब आप हम ये देखते हैं कि अब देखिए, वहाँ पे तीन आपके जो वर्ड दिए हुए थे, यहाँ पे दो ही वर्ड दिए हुए हैं, फिर आपको इसमें समझना है। जैसे यहाँ लिखा है गुडा बुका क्लियर वाटर, इसका मतलब इस पूरे सेंटेंस का मतलब जो दिया हुआ है वो ये होता है, ठीक है। दूसरे में आपका दिया हुआ है पिन गोल ओवरक्राफ्ट स्काई, इसका मतलब ये दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर दिया है पिन सैप बुका क्लियर ब्लू स्काई, तो आपको ये चीज़ें दी हुई हैं। अब इन सब चीज़ों से आपको यही निकालना है कि आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, या फिर ब्लू के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से चलते हैं, ताकि इसमें हम तक दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, दो तीन टाइप के, तो फिर चीज़ें हमारी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और आप लोग भी ये चीज़ें करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो फिर हम लोग इस पे देखते हैं। देखिए, हम कंपेयर करते हैं पहले, इन दोनों में कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, पहले इसको और इसको मैच करा लेते हैं, या फिर इन्हीं दोनों को मैच करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो को मैच कराना है तो ठीक है, पहले हम इसको कराते हैं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पिन है, यहाँ भी पिन है, ठीक है।
वहाँ भी पिन, वहाँ भी पिन, इन दोनों में देखिए क्या मैच कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, स्काई, यानी आप तो ये जान लीजिए कि जो पिन का कोड होगा, जो पिन का कोड होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पिन के लिए जो पिन के लिए कोड होगा वो होगा स्काई, ठीक है, पिन के लिए स्काई हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसमें और कुछ चीज़ें तो दिख नहीं रही हैं, ठीक है, अब इस दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब हम इसमें इसमें कंपेयर करते हैं, इसमें कंपेयर ये करते हैं कि इसके लिए अगर देखा जाए और इसके लिए देखा जाए, तो यहाँ बुका वहाँ भी बुका, दोनों कॉमन है, अगर जब बुका बुका दोनों में कॉमन है तो इसमें भी देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से क्लियर मिल रहा है आपको, यहाँ भी क्लियर मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों में आपको क्या मिल रहा है, क्लियर मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुका का, जो आपका यहाँ से बुका हो जाएगा उसके लिए जो कोड होगा वो क्लियर का हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी, हमें पूछा किसका है, ब्लू का, तो आप हमें ये बताइए यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से ब्लू बच रहा है, ब्लू यहाँ से बच रहा है, और यहाँ से क्या बच रहा है, सैप बच रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ में आपको तो आ ही रही होंगी कि जो ब्लू के लिए हमारा यूज होगा, जो ब्लू के लिए कोड यूज होगा वो क्या हो जाएगा, सैप होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और आप अच्छे से समझ रहे होंगे, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर से आप इसकी प्रैक्टिस करिए और देखिए, फिर हम कुछ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक दूसरा क्वेश्चन इसी पे करते हैं, लेटर वाले, लेटर और नंबर के, अभी तक लेटर से लेटर था, अब लेटर से नंबर तक, लेटर से नंबर है, ठीक है। और इसमें आपको ये बताना है कि जो इसमें मी है, मी के लिए कौन सा कोड यूज होगा, आपको यही चीज़ का जवाब देना है, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो बस हम स्टार्ट करते हैं और फिर से देखते हैं पहले जैसे, उम्मीद है अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, समझ लिए होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है कि देखिए, मैं लिखा हुआ है कि 786 गिव मी एप्पल, 786 का मतलब हुआ कि गिव मी एप्पल, 958 का मतलब हुआ ईट ग्रीन एप्पल, और 645 का मतलब हुआ गिव मी ग्रीन फ्रूट, ठीक है। तो इन चीज़ों का मतलब ये आपको दिया गया है, बस हमें समझना ये है कि जो हमारी चीज़ें हैं, जैसे अब हम कंपेयर करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें मी का पता करना है, तो मी यहाँ पे है, ठीक है, मी हमारा कहाँ है, मी हमारा यहाँ है, इसी का कोड हमें पता करना है, तो ठीक है, हम उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं और फिर चलते हैं दोनों में कंपेयर करते हैं। इन दोनों में आपको लगता है कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है एप्पल। अगर यहाँ पे दोनों में एप्पल मिल रहा है, तो यहाँ भी दोनों में क्या मिल रहा है, 8, यानी जो एप्पल है उसके लिए हमारा कौन सा कोड यूज हो गया, 8 यूज हो गया, ठीक है। अब फिर बात किसके आती है, गिव, यहाँ भी गिव है, यहाँ भी गिव है, दोनों को मैच करा लेंगे, जब ये मैच हो जाएगा तो फिर यही तो बचेगा, उसके बाद जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो गिव है, गिव के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, यहाँ गिव, हम इसको ट्रायंगल से दिखा रहे हैं, अगर गिव के लिए देख रहे हैं तो गिव दोनों में कॉमन क्या है, 6, यहाँ भी 6, तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, 6 मिल रहा है। तो अगर 6 मिल रहा है तो गिव के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, 6, तो फिर से वही चाहे तो हम लिख सकते हैं आपको दिखाने के लिए। तो बस आप समझ लीजिए कि हमारा जो एप्पल का कोड होगा, मी का कोड होगा, वो क्या हो जाएगा, 7। तो हमारा जो यहाँ मी का कोड होगा वो क्या हो जाएगा, मी के लिए 7 का यूज होगा, कैसे आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ गिव, यहाँ पे लिखा है गिव, तो गिव के लिए हमने पहले आपको बता दिया, यहाँ भी गिव, यहाँ भी गिव, दोनों में कॉमन क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कौन सा सिंबल आ रहा है, ट्रायंगल सिंबल में 6 नंबर आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमने देखा एप्पल, एप्पल हमने रेक्टेंगल बनाया है तो यहाँ थोड़ा स्क्वायर टाइप का बन गया है, ठीक है, लेकिन एप्पल के लिए क्या यूज हो जा रहा है, तो आप ये देखिए कि एप्पल के लिए जो यूज हो रहा है वो 8 हो रहा है। तो अब हमको ये बताइए, 6 गिव के लिए यूज हो गया है और 8 जो है हमारा एप्पल के लिए यूज हो गया, तो आप बताइए बच कौन रहा है, यही बच रहा है 7, और वो किसके लिए हो जाएगा, मी के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये आपका 4th वीडियो था, लगभग हम लोगों ने सारे टाइप्स के कर लिए हैं, बस हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आप कमेंट करिएगा, अपना जवाब दीजिएगा, अपना सुझाव दीजिएगा, फिर आपको जैसा भी लग रहा है आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, कहीं कमी है तो आप ज़रूर उसको बताइए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।